गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर नंबर थ्री पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर तो आज हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं सीपीयू सीपीयू इज ए स्मॉल चिप इनसाइड द सीपीयू बॉक्स अगेन सीपीयू इज ए स्मॉल चिप इनसाइड द सीपीयू बॉक्स तो क्या इसका अर्थ देखते हैं सीपीयू इज ए स्मॉल स्मॉल मतलब छोटी चिप है इनसाइड के अंदर द सी पी यू बॉक्स बॉक्स मतलब डिब्बा तो सी पी यू एक छोटी सी चिप है सी पी यू बॉक्स के अंदर इट्स फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अगेन इट्स फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इट्स मतलब इसकी फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम इज सेंट्रल मतलब केंद्रीय प्रोसेसिंग मतलब संसाधन यूनिट मतलब इकाई तो इसका पूरा नाम केंद्रीय संसाधन इकाई है इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर अगेन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इट मतलब यह इज द मोस्ट मतलब सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण पार्ट मतलब भाग ऑफ ए कंप्यूटर कंप्यूटर का यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है इट वर्क्स जस्ट लाइक अवर ब्रेन इट वर्क्स जस्ट लाइक अवर ब्रेन इट मतलब यह वर्क्स मतलब कार्य करता है जस्ट लाइक like. बिल्कुल तरह अवर मतलब हमारा ब्रेन मतलब दिमाग ये बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह कार्य करता है इट गिव्स डायरेक्शन टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर अगेन इट गिव्स डायरेक्शन टू द ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एट मतलब यह है गिव्स मतलब देता है डायरेक्शन मतलब दिशा निर्देश टू ऑल द अदर सभी अन्य पार्ट्स मतलब भागों को ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के तो ये कंप्यूटर के अन्य सभी भागों को दिशा निर्देश देता है आगे देखते हैं अब देखेंगे हम कीबोर्ड के बारे में तो कीबोर्ड इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बटंस कॉल्ड कीज अगेन कीबोर्ड इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज तो कीबोर्ड इज मेड अप मतलब बना होता है ऑफ मैनी मैनी मतलब कई स्मॉल मतलब छोटे बटंस से कॉल्ड कीबोर्ड कई छोटे बटन से मिलकर बना होता है जिन्हें हम क्या, क्या कहते हैं कुंजिया कहते हैं दीज कीज आर यूज टू टाइप वर्ड्स एंड नंबर्स दीज कीज आर यूज टू टाइप वर्ड्स एंड नंबर्स तो दीज मतलब यह है कीज मतलब कुंजियाँ आर यूज काम में ली जाती हैं टू टाइप टाइप करने के लिए वर्ड्स मतलब शब्द और नंबर्स मतलब संख्याएं तो यह कुंजियाँ शब्द और संख्याएं टाइप करने के लिए काम में ली जाती हैं तो ये आपका कीबोर्ड का चित्र है जिस पर छोटे छोटे क्या है बटन आपको दिखाई दे रहे हैं अब नेक्स्ट है हमारा माउस, माउस ए माउस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर अगेन ए माउस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर ए माउस एक माउस इज ऑल्सो भी वेरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण पार्ट मतलब भाग ऑफ ए कंप्यूटर कंप्यूटर का तो माउस भी कंप्यूटर का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है इट अलाउज इट अलाउज़ यू टू क्लिक एंड चूज थिंग्स ऑन योर स्क्रीन अगेन इट अलाउज यू टू क्लिक एंड चूज थिंग्स ऑन योर स्क्रीन इट मतलब यह अलाउज मतलब अनुमति देता है यू मतलब आपको टू क्लिक क्लिक करने के लिए एंड मतलब और चूज मतलब चयन करने के लिए थिंग्स वस्तुओं को ऑन योर स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर तो यह आपको आपकी स्क्रीन पर वस्तुओं को क्लिक और चयन करने की अनुमति देता है इट लुक्स लाइक ए रेड अगेन इट लुक्स लाइक ए रेड इट मतलब यह लुक्स मतलब दिखता है लाइक ए रेड चूहे की तरह तो यह चूहे की तरह दिखता है अब तो यहाँ पर एक माउस का चित्र दे रखा है जिसमें क्या होता है एक लेफ्ट क्लिक होता है एक राइट right क्लिक right होता है और बीच में स्क्रोल बटन होता है जो एक पहिए की तरह होता है अब यहाँ पर इसके वर्क दिए हुए हैं आई कैन हेल्प यू टू ड्रॉ पिक्चर्स अगेन आई कैन हेल्प यू टू ड्रॉ पिक्चर्स आई कैन मतलब मैं हेल्प मतलब मदद करता हूँ यू मतलब आपकी टू ड्रॉ पिक्चर्स पिक्चर्स ड्रॉ करने में तो मैं आपकी पिक्चर्स ड्रॉ करने में, में मदद कर सकता हूँ टू और थ्री बटंस आर देयर ऑन मी अगेन टू और थ्री बटंस आर देयर ऑन मी दो या तीन बटंस मेरे ऊपर होते हैं यू कैन प्ले गेम्स विद माई हेल्प अगेन यू कैन प्ले गेम्स विद माई हेल्प यू मतलब आप प्ले मतलब खेल सकते हैं गेम्स मतलब खेल विद माई हेल्प मेरी मदद से आप मेरी मदद से खेल खेल सकते हैं यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया डेड यू नो क्या आप जानते थे यूपीएस स्टैंड्स फॉर पावर सप्लाई अगेन यूपीएस स्टैंड्स फॉर अन इंटरप्टिबल पावर सप्लाई यूपीएस स्टैंड्स फॉर मतलब इंगित करता है अन इंटरप्टिबल मतलब अबाधित पावर मतलब ऊर्जा सप्लाई मतलब आपूर्ति तो यूपीएस अबाधित ऊर्जा आपूर्ति को इंगित करता है यूपीएस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर यूपीएस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर यूपीएस भी ए पार्ट मतलब हिस्सा ऑफ ए कंप्यूटर कंप्यूटर का तो यूपीएस भी कंप्यूटर का एक हिस्सा है इट प्रिजर्व्स एंड सप्लाईज पावर टू द कंप्यूटर वैन द इलेक्ट्रिक पावर गोज ऑफ इट प्रिजर्व मतलब यह संभाल कर रखता है एंड और सप्लाई मतलब आपूर्ति करता है पावर मतलब ऊर्जा की टू द कंप्यूटर कंप्यूटर को वैन जब द इलेक्ट्रिक पावर गोज जब जब लाइट चली जाती है बिजली चली जाती है तो यह ऊर्जा को संभाल कर रखता है और आपूर्ति करता है जब कंप्यूट इलेक्ट्रिक पावर चली आती है तो यहाँ तक आपका चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है इसके आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे तो यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस करनी है थैंक यू की प्रैक्टिसिंग